सो व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली। तो आज बहुत दिन के बाद हम लोग राइड में निकले हैं और हम लोग राइड में जा रहे हैं आज जो कि है इंडिपेंडेंस डे राइड पर, और हम लोग जा रहे हैं उस्कला वाटरफॉल। तो जाते जाते हम लोग ने देखा बहुत सारे बच्चे लोग बहुत ही अच्छे से सज धज के निकले हैं आज। आज बहुत ही बड़ा दिन है इंडिया के लिए एंड यहाँ पर जाते जाते बहुत अच्छा खासा मेरे को सबको मतलब रिएक्शंस मिल रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था। फ़िलहाल मैंने तो अपने ग्रुप के साथ अभी तक मिला नहीं है और हम लोग वहाँ पर एक जगह में मीटअप करने वाले हैं जो कि है अपना बाइकर्स अड्डा 143, जो कि अपना कार्मल स्कूल के सामने गिरता है। वहाँ पर मेरे सारे भाई लोग मिलने वाले हैं एंड वहाँ से हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पर। हेलो, बोना चलती नहीं भैया। सो कुछ ड्रोन शॉट ले लिया हूँ मैंने अपना लाइनअप का, जो कि अपना बाइकर अड्डा 143 के सामने ही है। तो वहाँ से आप ड्रोन शॉट का मज़े लीजिए एंड बताइए कैसा है। फिलहाल तो मैं नया हूँ ड्रोन शूट में, तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, कुछ मिस्टेक हुआ तो। सो थोड़ा ही दूर जाते हैं यार, पूरा बारिश गिरा दिया एंड अभी तो सीज़न ही है वहीं का, तो बारिश गिरा दिया। अपना रेनकोट पहन के चल रहे हैं, अभी देखते हैं आगे और क्या क्या मिलता है। और यहाँ पर टनल है, टनल हुआ और रेड नहीं होगा तो मज़ा ही कुछ नहीं आएगा। तो टनल पार करते हैं हम लोग के सब राइडर है और अपना मोबिक का नॉइस जो मस्त आ रहा था। तो रास्ते में जाते जाते कुछ कुछ क्यूट बच्चे जो कि गांव के हैं हम लोग को बाय हाय बोल रहे थे एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिकॉज ऐसे ही क्यूट क्यूट रिएक्शंस मिलते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है और राइड का मज़ा ही कुछ और है। और यहां पर तो वादियां और जो सीनरी है बहुत ही सही लग रहा है, एक तो मानसून का वेदर, ऊपर से सीनरी जितने बढ़िया बढ़िया। अभी तक तो हम लोग को ऑफ रोडिंग नहीं मिला, बट आगे ऑफ रोडिंग है पूरा और देखते हैं आगे और क्या क्या मिलता है। फ़िलहाल तो वादियों का मज़ा ही लीजिए, अलग ही है। जाते जाते हम लोग को बहुत सारा ऑफ रोडिंग मिला एंड ऑफ रोडिंग भी ऐसा था कि यार मतलब कितने बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो नीचे मतलब वहाँ पर। और यार डोमिनर को तो मैंने हर किस्म की ऑफ रोडिंग में लगा ही चुका है और ये ऑफ रोडिंग बहुत ही भयंकर भी था। मतलब वो आगे जो भी जा रहा था वो अपने पीछे जस्ट पत्थर गिरा गिरा के जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही होगा आप चक्का वहाँ पर स्लिप करेगा ही तो पत्थर पूरा पीछे ही नहीं खींच सकता। और मैंने तो एक ही पुल में खींच लिया, देखते हैं आगे पहुंच के ही क्या क्या और भी ऑफ रोड मिलेगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी वादियाँ तो यार क्या ही सीन की वहाँ है उस जगह। सो भाई एट लास्ट हम लोग पहुंच चुके हैं, इतना बहुत सारा राइड के बाद, बारिश के बाद, बहुत सारा ऑफ रोडिंग के बाद, तो फाइनली यहाँ से आपको हल्का सा व्यू मिल रहा है। नीचे जाके और बढ़िया से व्यू देंगे, तब तक के लिए देखते रहिए।
सो एट लास्ट डेस्टिनेशन में पहुंच गए एंड एज एक्सपेक्टेड आज 15 अगस्त है एंड यहाँ पर बहुत भीड़ ही होने वाला था बिकॉज बहुत जगह से भरे बहुत सारे राइडर्स आ ही रहेंगे। और नीचे से तो मैंने शॉट ले लिया, झरना का बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके बाद अभी ऊपर से ड्रोन शॉट का भी थोड़ा लाभ उठाइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर दीजिए कैसा लगा आपको। सो यहाँ पर वीडियो एंड होने का ही है और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर गाड़ी कितनी सफ़र करी है ऊपर जाने में ही। तो यहाँ पर थोड़ा सा वही हो जाता है दिक्कत की बारिश के टाइम में जो अपना पत्थर सब है बहुत चिकना हो जाता है, जाता ही नहीं है गाड़ी ऊपर। तो हेल्प के ज़रिए ऊपर आराम से लेके गए। तो वीडियो अभी एंड होने को एंड मैं इतना बोलना चाहूँगा कि डेस्टिनेशन आपने देख लिए एंड ऐसे से डेस्टिनेशन में आना आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आइए, बट अपने आप को भी ख्याल रखिए एंड यहाँ पर थोड़ा सेफली सब चीज़ कीजिए। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आगे मत बढ़िए, कोई ऐसा रिस्क मत लीजिए एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू।